ब्रह्मांड बड़ा है, बहुत बड़ा है। और अगर हम फ्यूचर में एक इंटरस्टेलर या इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन बनने की उम्मीद रखते हैं तो हमें इस डिस्टेंस स्केल पे ट्रैवल करने का कोई दूसरा इफेक्टिव तरीका खोजना होगा, बिकॉज एज यू ऑल माइट नो, फिजिक्स इज अ बिच। ये यूनिवर्सल स्पीड लिमिट जैसे कॉन्सेप्ट को हमारे सामने रख देता है, जिसकी वजह से हम इस डिस्टेंस स्केल पे अगर ट्रैवल करना भी चाहें तो सिर्फ एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में जाने में हमें हजारों साल लग जाएंगे। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, वी नीड एन इफेक्टिव मेथड जिसकी मदद से हम इस डिस्टेंस स्केल को आसानी से मैनेज भी कर सकें एंड हम यूनिवर्स की इस ब्यूटी को अपनी आँखों से देख सकें। सो ऑफकोर्स वी हैड टू फाइंड अ वे, एंड देर ऑलरेडी इज समथिंग जिसे हम वार्म होल के नाम से जानते हैं, एंड इसकी मदद से हम इस लार्ज डिस्टेंस स्केल को ट्रैवल कर सकते हैं। बट साथ में हम इसका यूज करके टाइम मशीन भी क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि अभी हम टाइम मशीन पे उतना फोकस नहीं करेंगे, बट या वी आर गोना लर्न कि आखिर ये वार्म होल है क्या, एंड ये वार्म होल हाई डायमेंशन में दिखते कैसे हैं, इनका टेक्निकल साइड कैसा होता है, और आखिर हमें रियली में एग्जॉटिक मैटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बट बिफोर वी डू एनी ऑफ दैट, ये वार्म होल नाम किस बला की आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स हैव अ लुक। मान लीजिए हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाना है और इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। अगर हम कन्वेंशनल वे में जाने की कोशिश करते हैं तो इसके बीच का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा और हमारी इस यात्रा में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। बट अगर हम इस रास्ते को ही बेंड कर देते हैं और एक नया शॉर्टकट लेते हैं तो हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर कुछ चंद सेकेंड्स में ही पहुंच सकते हैं। यही शॉर्टकट जो हाई डायमेंशन का यूज़ करता है और किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को ड्रास्टिकली डिक्रीज कर देता है, इसे हम वार्म होल के नाम से जानते हैं। बट क्या ये वार्म होल हकीकत में काम करता है और क्या हम उसकी मदद से स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं? चलिए आइए इस चीज़ को जानते हैं। क्वांटम फोम। जॉन विलर के मुताबिक ये हमारे ब्रह्मांड का वो हिस्सा है जहाँ पर स्पेस टाइम भी खुद क्वांटाइज हो जाता है, और इस रीजन में हर सेकेंड वर्चुअल पार्टिकल्स की तरह वार्म होल्स का क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन होता रहता है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि इन वार्म होल्स का साइज 1 सेंटीमीटर के 1/80 हिस्से से भी छोटा होता है। यह इस चीज़ को नामुमकिन बना देता है कि इसे एक साधारण इंसान पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा सके या फिर इसकी मदद से समय यात्रा भी कर पाए। बट अगर आप कुछ फिजिसिस्ट की मानो तो उनके मुताबिक हम इन्हीं छोटे छोटे वार्म होल्स के साइज को बड़ा कर सकते हैं कुछ खास पदार्थ का यूज करके, और उन्हें इतना विशाल बना सकते हैं कि उनसे एक साधारण इंसान या फिर एक पूरा स्पेसशिप भी गुजर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम ऐसा कर पाएंगे, बट अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो ये हमारे स्पेस ट्रैवल के इंडेवर को एक नई जान दे देगा। इसका एक हिस्सा हमारी पृथ्वी पर रहेगा तो वहीं दूसरा हिस्सा लाखों अरबों खरबों किलोमीटर दूर दूसरे किसी प्लैनेट पर। हम इसकी मदद से करोड़ों किलोमीटर्स की दूरी को कुछ चंद सेकेंड्स में ही कवर कर सकते हैं। पर अगर हम इसे थियोरेटिकली और भी डीप में जाना चाहते हैं तो हम इसकी मदद से समय यात्रा भी कर सकते हैं। यूँ तो वार्म होल के दोनों सिरों को स्पेस में अलग अलग रखने के बजाय हम उन्हें स्पेस में एक ही जगह पर रख सकते हैं, पर इनका फासला स्पेस में होने के बजाय टाइम में होगा। अगर ऐसे सिचुएशन में एक स्पेसशिप पृथ्वी पर रखे हुए ऐसे ही किसी वार्म होल से गुजरता है तो वो आज से लाखों साल पीछे पहुँच सकता है, इवन डायनासोर्स के एज में। बट अगर ऐसा होता है तो ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की पॉसिबिलिटी को ओपन करेगा, जिस वजह से कई फिजिसिस्ट इस बात को सामने रखते हैं कि या तो आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो बट उसकी मदद से आप अतीत को नहीं चेंज कर पाओगे, या फिर ऐसे वार्म होल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। ऐसा होने का एक पॉसिबिलिटी है फीडबैक। अगर आप ऐसे किसी लाइव म्यूजिक के शो में गए होंगे तो वहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया होगा ये कुछ इस तरह के साउंड को। इसे हम फीडबैक कहते हैं। जब माइक्रोफोन से आवाज़ रिकॉर्ड होती है और वो फिर वापस से स्पीकर में जाता है एम्पलीफायर के जरिए, और फिर वही साउंड जब दोबारा माइक में जाता है, तो ये काम बार बार होता रहता है।
और इसकी वजह से वो साउंड इतना ज़्यादा एम्पलीफाइड हो जाता है कि बेसिकली एक पॉइंट के बाद वो स्पीकर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि एग्जैक्टली यही काम वार्महोल के साथ भी होने वाला है, पर साउंड के बजाय लाइट के साथ। जिस क्षण ऐसे वार्महोल क्रिएट होते हैं जो टाइम ट्रैवल को अलाउ करते हैं, उसी क्षण उस वार्महोल के आसपास के रेडिएशन उस वार्महोल को एंटर करेंगे और एंटर करते ही कुछ सेकंड अतीत में या फिर कुछ घंटे या साल अतीत में पहुंच जाएंगे। इसकी वजह से उन रेडिएशन के पास ये पॉसिबिलिटी आता है कि वो उस वार्महोल को वापस से री एंटर कर सके। अब जब वो ऐसा करेंगे तो इसकी वजह से एक फीडबैक लूप क्रिएट होगा और ये फीडबैक लूप तब तक उस रेडिएशन की डेंसिटी को एम्पलीफाई करेगा जब तक वो इस खास कंडीशन को सेटिस्फाई ना कर दे। हम वीडियो में आगे देखने वाले हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, बट इस वक्त आप इसे एज ए फैक्ट की तरह एक्सेप्ट कर लो एंड लेट्स मूव ऑन। और ये प्रोसेस बार बार होता रहेगा और तब तक होगा जब तक वो वार्महोल अनस्टेबल बनकर डिस्ट्रॉयड ना हो जाए। यूँ तो वार्महोल्स का साइज इतना छोटा होता है कि हम उसमें ट्रैवल नहीं कर सकते, बट अगर हम उसे एम्पलीफाई करना चाहते हैं, यानी कि अगर हम उसके साइज को इनक्रीज करना चाहते हैं, तो हमें यूजुअली एग्जॉटिक मैटर की ज़रूरत पड़ती है। बट आखिर एग्जॉटिक मैटर का इम्पॉर्टेंस क्या है और कैसे वो वार्महोल के कॉन्सेप्ट में यूज होता है, कुछ समझने के लिए हमें एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट के पास जाना होगा। इन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत सारा मैथमेटिकल वर्क करके रखा है। So we have observers coming from all directions falling down the wormhole. So they're all converging. Under the conditions of the focusing theorem, they should keep on converging until they all collide with one another. But it doesn't happen. They all come back. And after going through the wormhole, they all start diverging away from one another again. So what do you need to produce this converging behavior that turns into a diverging behavior? Well, you need to violate the conditions of the focusing theorem because you're violating the theorem itself. And the conclusion is that, well, in order to keep the wormhole there, you have to put in some matter in here, and that matter has to violate this energy condition. ब्रह्मांड में साधारण पदार्थ का नियम यह है कि इसका एनर्जी डेंसिटी तथा प्रेशर पॉजिटिव होता है, पर अगर बात करें एक्सोटिक मैटर की तो ये नॉर्मल मैटर से बिल्कुल अलग होता है। ये ऐसा मैटर होता है जिसकी एनर्जी डेंसिटी तथा प्रेशर नेगेटिव होती है। एनर्जी और प्रेशर दोनों के नेगेटिव होने के पीछे का रीजन कुछ दिन पहले ही एरिक ने हमें बताया था। उन्होंने कहा था कि वार्महोल का सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट फोकसिंग थ्योरम को वायलेट करता है, परंतु फोकसिंग थ्योरम कुछ खास अजम्पशंस पर बेस्ड है जिसका सबसे क्रिटिकल हिस्सा स्ट्रॉन्ग एनर्जी कंडीशन है। हमारे कॉस्मोस में हर एक पार्टिकल, हर एक एंटिटी, हर एक ऑब्जेक्ट, उन सभी को इस कंडीशन का पालन करना चाहिए क्योंकि यही वो चीज़ है जिसकी वजह से ग्रेविटी अट्रैक्टिव बनती है। बट अगर आप स्क्रीन पर ध्यान दो तो स्ट्रॉन्ग एनर्जी कंडीशन में इधर और का काम नहीं होता। इंस्टेड ये डिमांड करता है कि ये दो इनक्वालिटीज़ हर हाल में मेंटेन रहें। बट अगर हम स्ट्रॉन्ग एनर्जी कंडीशन को वायलेट करते हैं तो हमें नेगेटिव प्रेशर और नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी वाले मैटर की ज़रूरत होगी, या फिर एक ऐसा मैटर जिसका एनर्जी डेंसिटी या प्रेशर इनमें से कोई एक तो पॉजिटिव हो सकता है, बट उसी वक्त दूसरे को नेगेटिव होना होगा, और इतना नेगेटिव होना होगा कि वो पहले वाले की पॉजिटिविटी को कंपेंसेट कर सके और ये दोनों इनइक्वालिटीज़ को ब्रेक भी कर पाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फोकसिंग थ्योरम को मेंटेन रखेगा और उसकी वजह से वार्म होल अनस्टेबल बन के कोलैप्स कर जाएगा। और बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ बेटर वर्ड हमने ऐसे ही पदार्थ का नाम एग्जॉटिक मैटर रख दिया है। यहाँ पर वही एकमात्र चीज़ ऐसी है जो प्रॉपर रिपल्सिव ग्रेविटी को क्रिएट करके वार्महोल के कर्वेचर को एम्पलीफाई कर सकेगा और वो उसे इतना बड़ा बना सकेगा कि एक आम इंसान भी वार्महोल की सफ़र कर पाए। ये सब तो बातें हुई वार्महोल क्या है, कैसे काम करता है, हम उसका कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर उनके कौन से प्रॉब्लम्स हैं। पर अब तक हमने ये नहीं समझा कि आखिर वार्महोल्स बनते कैसे हैं, स्पेस टाइम के साथ आखिर ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से वार्महोल जैसे स्ट्रक्चर्स का निर्माण हो जाए। या फिर वो कहते हैं ना, एक ब्लैक होल और एक वाइट होल, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ वार्महोल, आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। खैर, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स के खास हिस्से टोपोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। वैसे हम इसे डिटेल में कभी और देखेंगे, परंतु आज वार्महोल के कॉन्टेक्स्ट में जितना टोपोलॉजी यूज़ होने वाला है उतना पढ़ लेते हैं और उसके लिए एक लेक्चर के छोटे से हिस्से को साथ में मिलकर बिंज वॉच करते हैं।
If you see a picture like this, it means please take this edge, which has the arrow, and take the other edge, which has the arrow, and identify or glue together those two edges and do nothing else. Okay. So what does this mean? It means the following. I'm drawing the arrow down because it's the so-called projection map for the quotient set, but you don't have to worry about this. So what we do is identify the two vertical edges, in this case, left and right. And what we do is, you can imagine, right? If you think of this as made of paper and you identify the edges, you get this kind of picture. Agreed? You curved it, but that's okay, we are doing topology. So, and then this boundary, this part of the boundary disappeared because now this part and this part have been glued. The top and bottom boundaries are still there. So what we find is, the result is a cylinder. Let's start identifying not only the vertical edges, but also the horizontals. First, the simplest to visualize is vertically, I glue straight. Horizontally, I also glue straight. What is this going to become? First, let's glue the verticals. Then it's easy. In fact, its result is exactly the same as in example 7, you get a cylinder. The difference this time is that it's not the end of this identification. We still have to do the identification of the top circle to the bottom circle. Now, how do we represent this? Here's how I would like to think about. I'm going to bend this cylinder like this. You still have to identify those two, and you see, you can think of it this way. You have this tube, and then I took this and brought it down. And so this circle is going like this. This circle, when it comes down, is going around like this. And when you identify, you get, I'm sorry, I'm going to suddenly draw a smaller torus, but you get, of course, a torus. Takeshi ne hame ye bataya ki ek torus ka nirman two-dimensional plane par gluing ki madad se ki jati hai, jise mathematically quotient set se nikala jata hai. क्योंकि हम लोग फोर डायमेंशन को विजुअलाइज नहीं कर सकते, इसलिए वॉर्महोल के शेप इत्यादि को विजुअलाइज करने के लिए हम भी इसी टू डायमेंशनल फ्लैट लैंड की मदद लेंगे. बट चीज़ों को थोड़ा और रोचक बनाने के लिए हम एक फ्लैट वर्ल्ड की जगह एक टू डायमेंशनल टोरस को इमेजिन करेंगे. जैसा कि आप देख सकते हो, इस 2D वर्ल्ड के एक छोटे से हिस्से पे होल बनना शुरू हो चुका है. यही होल हमारे टू डायमेंशनल वर्ल्ड यानी कि फ्लैट लैंड के बाउंड्री का काम करेगा. एनिमेशन के आगे बढ़ते ही आपको वार्महोल जैसी चीज दिखने लगी होगी. टोपोलॉजी में ऐसा अक्सर कहते हैं कि एक टी कप और एक टोरस, जो कि एक मैथमेटिकल शेप होता है, इन दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है. ऐसा अक्सर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि टोपोलॉजी में हम एक खास मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, होमियोमॉर्फिज्म. अगर हम अपने इस टू डायमेंशनल टोरस विद अ पंक्चर या होल को डिफॉर्म करते हैं, तो वो बेसिकली हमारे फ्लैट लैंड विद अ वार्महोल में बदल जाता है. टॉपोलॉजिकली स्पीकिंग, एक सिंपल वार्म होल जिनकी चर्चा साइंस फिक्शन मूवीज में होती है, वो बेसिकली एक टोरस होते हैं जिनके सतह पर एक छेद होता है. बट हमारे केस में, क्योंकि हमारा वर्ल्ड फोर डायमेंशनल है, ये टोरस भी 4D होगा. अब इस टोरस के इस वाले हिस्से पर ध्यान दो, इसे हम साधारण भाषा में होल कहते हैं, और अलग अलग टोरस को हम उनके नंबर ऑफ होल या फिर जीनस के आधार पर आइडेंटिफाई करते हैं. बट किसी टोरस में ऐसे कितने होल्स है, ये उसके जीनस को डिफाइन करता है. हमारे डिस्कशन में इनका इम्पोर्टेंस ये है कि हर दो टोरस जिनका जीनस अलग अलग है, उनका टोपोलॉजी भी अलग अलग होगा. नंबर ऑफ होल्स जो जीनस को डिफाइन करते हैं, वो हमारे यूनिवर्स में नंबर ऑफ वार्म होल्स को बताते हैं. बेसिकली इन एग्जॉटिक मैटर्स का काम क्वांटम लेवल पे होने वाले टोपोलॉजिकल चेंजेस, जिनकी वजह से माइक्रोस्कोपिक वार्म होल्स का निर्माण होता है, उनके टोपोलॉजी को स्टेबलाइज करना होता है. अगर आप एक ऐसे यूनिवर्स में हो जहाँ पर एक भी वार्म होल नहीं है, और आप उस यूनिवर्स में एक वार्म होल बनाना चाहते हो, तो बेसिकली आपको उस यूनिवर्स के स्पेस टाइम के टोपोलॉजी में बदलाव लाना होगा. टोपोलॉजी के इसी पॉइंट का इंपॉर्टेंस ब्लैक होल फिजिक्स में भी आता है. अगर आपको याद हो तो एक क्लासिकल ब्लैक होल के सेंटर में एक सिंगुलैरिटी होता है, पर क्योंकि सिंगुलैरिटी एक
ऐसा पॉइंट है जो थियोरेटिकल इनकंसिस्टेंसी को दर्शाता है, हमारे लिए उसका रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस काम को करने के लिए कुछ फिजिसिस्ट ने एक मेडअप आइडिया को सामने रखा, जिसमें उन्होंने दो ब्लैक होल्स के दोनों सिंगुलैरिटीज को आइडेंटिफाई करने की बात की। इससे मसला ये होता कि जो पार्टिकल ब्लैक होल में गिरा था वो व्हाइट होल के जरिए वापस हमारे ब्रह्मांड में री इमर्ज हो जाता थ्रू अ वार्म होल। तो वो जो पॉप साइंस वाली बात है उसका टेक्निकल डिटेल इसी टोपोलॉजी और वार्म होल के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर जाता है। इस पॉइंट का डिस्कशन आप जनरल रिलेटिविटी के क्लासिक बुक ग्रेविटेशन के पेज नंबर 389 पर देख सकते हो। हालांकि इस पर डिस्कशन करने के लिए बहुत है, बट इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लव्ड इट। इफ़ यू लर्न समथिंग न्यू तो वीडियो को लाइक कर दो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।